हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड इन्वेस्टर। आज एक नई इंस्पायरिंग इन्वेस्टिंग एपिसोड के साथ। थंबनेल देख के आप लोग सोच रहे हैं ना कि 2000 रुपये से 1.4 करोड़, ये कैसे? कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का। वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कैसे 1.4 करोड़ पॉसिबल है। रियल लाइफ में 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में और देखेंगे कि क्या ये हमारी कुछ मदद कर सकता है पैसा कमाने में। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक ऐसे टाइप का म्यूचुअल फंड जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखकर। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आसान भाषा में, अगर आपको उस कंपनी को खरीदना है तो कितना पैसा चाहिए, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन शॉर्ट MCAP। इस टाइप के म्यूचुअल फंड में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक्टिव या पैसिव फंड, मतलब फंड मैनेजर है या नहीं उस म्यूचुअल फंड का, और टैक्स सेविंग, उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है इन 7 कैटेगरीज में। तो देखेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा प्रॉफिट देगा और कौन आपको हैवी लॉस। सो लेट्स सी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये म्यूचुअल फंड्स काफी जल्दी आपका पैसा ग्रो करेंगे। आपका पैसा 5 से 7 साल में डबल हो जाएगा। यही होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स मेनली इन्वेस्ट करते हैं टॉप 100 कंपनीज ऑफ स्टॉक मार्केट, जैसे टाटा, रिलायंस, MRF टायर्स, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अबव 20,000 करोड़। एटलीस्ट 80% पैसा उस म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि यही है सेबी का रूल। सबसे ज़्यादा होता है इसका एक्सपेंस रेशियो। अगर आपको नहीं पता एक्सपेंस रेशियो क्या है, आप इस वीडियो का Part 1 देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तब आप जान जाएंगे। रिस्क और रिटर्न दोनों ही हाई है, इसलिए आपने TV पर सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इस फंड को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके पास बहुत कम ऑप्शंस है, ओनली 150 कंपनीज टू इन्वेस्ट। सो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा ग्रो भी करना चाहिए और सेफ्टी भी होना चाहिए, जो कि इस म्यूचुअल फंड के पास नहीं है। ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसके पास बहुत ऑप्शंस है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी कंपनीज है जो छोटे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा JK टायर और माइंड ट्री, जो कि L&T का पार्ट है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म। सो आपको मिनिमम 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड्स सबसे फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर अपनी नॉलेज के हिसाब से डिसाइड करेगा कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। इसमें रिस्क है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके रिटर्न्स अच्छे ही होंगे इन लॉन्ग टर्म। इसलिए स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। ये म्यूचुअल फंड्स सिर्फ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस सेक्टर का इस बार कंडीशन खराब हो, तो आपके पैसे डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम जब होगा तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो आपको टैक्स से बचाएगा। सबसे काम का है ये म्यूचुअल फंड। आपको 1.5 लाख तक का टैक्स कम करने का मौका मिलता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, आपको 3 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते अपना पैसा। आपको रिटर्न्स भी इसमें अच्छे मिलेंगे, वो पक्का है, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपने अभी तक देखा है, सबके फंड मैनेजर्स है, इसलिए सबका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो म्यूचुअल फंड देखेंगे उसमें फंड मैनेजर नहीं है, तो एक्सपेंस रेशियो कम है, आपका बहुत पैसा बच जाता है। सो इट्स प्रॉफिटेबल। लेट्स सी देन। तो ये है इंडेक्स फंड। ये इन्वेस्ट करता है सेंसेक्स और निफ्टी में।
अगर आपको नहीं पता सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, आप मेरा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आपको इसमें सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ इन्वेस्टेड होगा मेरा पैसा, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है। रिटर्न्स इसके हमेशा अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी टाइम के साथ ऊपर ही जाता है। अब जो मैंने शुरू में कहा था, 2000 रुपये से 1.4 करोड़, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। मान लीजिए आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, और अगर आपने महीने में 2000 रुपये का एक SIP किया, तो आप अपने रिटायरमेंट तक करोड़पति बन जाएंगे। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको कोई कष्ट भी नहीं करना पड़ता, बस पैसा डिपॉजिट किया। आप अगर एक स्टूडेंट है तब भी आप स्टार्ट कीजिए 1000 रुपये से, जैसा मैंने किया। आपको 1.4 करोड़ तो नहीं, लेकिन 70 से 80 लाख ज़रूर मिल जाएंगे। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप डिस्क्रिप्शन में कैलकुलेटर का लिंक है, चेक कर लीजिए। आप अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने करीबियों से। अगर आपके कोई भी सुझाव हो या क्वेरी हो, नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।